दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज इनबीसीट के स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी आई हुई है जिन्होंने किसानों के लिए कई कामकाज किए हैं। किसानों का दर्द है उनको उन्होंने बांटा है, किसानों को काफी नजदीक से देखा है। ऐसी पर्सनैलिटी जिनका नाम है अमिताभ मोतीराम जी पावड़े साहब, जो कि आज इनबीसीट के स्टूडियो में आए हुए हैं। आज हम अमिताभ मोतीराम जी पावड़े साहब से तमाम पहलुओं पर बातचीत करने वाले हैं कि किसानों की आत्महत्या, किसानों का कर्ज माफी, किसान आखिर और देश क्या होता है, और किसान किस तरह से आज अपनी जो गुजर बसर कर रहा है, जो जिंदगी जो जी रहा है, किस प्रकार से जी रहा है। आइए इन तमाम बातों के लिए रुक करते हैं। सबसे पहले पावड़े साहब, आपका इनबीसीट के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दर्शकों, अमिताभ पावड़े साहब के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि पावड़े साहब, आप जो हो नरकेट तहसील के एरला गांव से है, और आप कृषि अभ्यासक एवं अर्थव्यवस्था का अभ्यास भी आपको बहुत ज़्यादा आपने किया हुआ है। पेशे से आप सिविल इंजीनियर भी है, और कुछ वर्षों तक आपने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में कंपनी में काम भी किया था। स्पर्धा परीक्षा में आपने अव्वल अंक प्राप्त करते हुए उसके बाद आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके हैं, और आपने अहमदाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन एयर मार्शल CKS साहब जो उस समय में थे, उनके हाथों आपको सम्मानित भी किया गया। इसकी वजह यह है कि आपने जो पूरा जो प्रीमाइसेस था उसको चार चांद लगा दिए थे अपने कामकाजों की वजह से। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब सर आप नॉर्थ ईस्ट का जब आपने दौरा किया, और वहाँ पे जो तकरीबन जो 24 जो एयरपोर्ट जिनको आप पूरी तरह से कंट्रोल किया करते थे, एक साथ 24 का एयरपोर्ट देखना, ये सबसे बड़ी बात है। लोग अपने आप एक छोटी चीज़ नहीं संभाल पाते, मगर अमिताभ जी पावड़े साहब जो थे, इन्होंने 24 एयरपोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल किया। यानी कितनी बड़ी ये पर्सनैलिटी, इसका अंदाज़ा हम साफ तौर पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने नॉर्थ ईस्ट की बात किया सर आपसे, कि आपने तकरीबन 19,79,00,000 जो नॉर्थ ईस्ट के नागरिक है वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, कैसे भूखे मरने की उनके ऊपर नौबत आई थी, ये आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है। और वहीं से किसानों के लिए इनकी जो सही यात्रा है वो शुरू हुई है, और इसी मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से आपका जो प्रोफाइल है, आप बहुत ही उम्दा और अनुभवी एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत हो। सर, ऑर्गेनिक खेती जो अक्सर करने के लोग बात करते हैं, मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक खेती के बारे में आता हूँ। सर, क्या फायदे होते हैं ऑर्गेनिक खेती करने के? ऑर्गेनिक खेती के फायदे तो बहुत सारे हैं, और आजकल उनका चलन भी काफ़ी बड़ा है जी। करीब 80,000 मेट्रिक टन हम लोग कीटनाशक हर साल ज़मीन में डालते हैं, जिसके कारण पर्यावरण, हवा, पानी जी, एवं ज़मीन का यानी नुकसान ही होता है, जहर ही हम लोग डालते हैं। और इसके परिणाम काफ़ी दिखने लगे हैं, जैसे पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है जी, वैसे ही अभी जबलपुर से नागपुर चलने वाली एम्बुलेंस ट्रेन भी कहा जाता है उसको जी। तो जो प्रमाण में कीटनाशक वातावरण में जा रहे हैं, उसके दुष्परिणाम सब जगह दिखते जा रहे हैं। इसका एकमात्र पर्याय ऑर्गेनिक खेती है जी। लेकिन हम लोग, यदि थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, जो आपने एक आंकड़ा दिया हुआ है 19,80,00,000 का, ये देश भर के भूखों का आंकड़ा है। ओके, हम लोग जब भारत को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं जी, तो दिखने को तो भारत एक कृषि प्रधान देश है ही, करीब 65% लोग खेती पर ही निर्भर है। लेकिन ये 65% लोग खेती पर सुचारू ढंग से या समृद्ध ढंग से काम कर रहे क्या, तो उसका जवाब है नहीं जी। क्योंकि इस देश में जब 2 रुपए किलो गेहूं और 4 रुपए किलो चावल किया जाता है, और उसके बावजूद 19,80,00,000 लोग यदि भूखे रहते हैं, तो ये विचार करने वाली चीज़ है, या आपको अपनी नीतियों के ऊपर फिर से विचार करना चाहिए।
एक तरफ प्रोडक्शन देखिए आप, अन्न धान्य, ये भूखे क्यों रहते? तो ऐसा है क्या कि कहीं अन्न अनाज की पैदावार कमी हुई है? तो आप देखेंगे तो 285 मिलियन मैट्रिक टन हम लोगों की पैदावार है। बराबर अब इतनी प्रचंड पैदावार होते होने के बावजूद भी एक तरफ लोग भूखे और दूसरा किसान कर्जे में है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की जो संपत्ति का निर्माण होता है वो किसान करता है, या माइनिंग में जाने वाला जो कर्मचारी है वो करता है, या मछुआरे करते हैं। ये तीन तरह से देश की संपत्ति बढ़ती है। जब किसान एक दाना बोता है और 1,000 दाना हार्वेस्ट करता है या वो काटता है, तो उस समय किसी भी देश की संपत्ति 1,000 गुना बढ़ जाती है। राइट और जब 1,000 गुना संपत्ति बढ़ाने के बावजूद 285 मिलियन मैट्रिक टन हम लोगों ने पैदावार ली, लेकिन इसका पूंजी में बदलाव होने के बजाय किसानों के कर्जे में बदलाव हुआ है। और यहाँ नीतियों का मामला आता है। बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो हीरे और मोती की जब बात आती है, जो जी फसल जो आती थी तो काम भी काफ़ी अच्छा, ऑर्गेनिक खेती उस समय भी होती थी, लेकिन जो केमिकल्स युक्त जो अभी जो भी जो पैदावार जो हो रही है, जो बहुत बड़ी फसल भी आ रही है उसके चलते जो क्रॉप आ रहा है। मेरा सवाल ये था अमिताभ जी कि खेत में बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से विभिन्न खतों का जो वापर किया जाता है, ऐसे में आने वाले जनरेशन को इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है? हाँ जरूर, रसायनों का अपना एक विपरीत परिणाम तो है ही, जो अभी दिख रहा है आपको हर जगह, जो प्रमाण में आपको रोग, नए नए रोग आपको भारत में दिख रहे हैं, या जो हमारी प्रतिकार शक्ति कम हुई पड़ी हुई है, या श्वसन के बहुत बड़े पैमाने पे रोग हुए हैं, या कैंसर जिस प्रकार से यानी विविध प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये सब परिणाम ये रसायनों का ही है। लेकिन इसके साथ में यानी एक गलत फहमी किसानों के बीच में डाली गई है कि उत्पादन बढ़ेगा तो आपका उत्पन्न बढ़ेगा। हाँ, वो मैं हालांकि निशान रहता। हालांकि उत्पादन तो बढ़ा हुआ है, जी 205 यानी एक जमाना ऐसा था कि देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि जी मेरे पास पूरा अनाज नहीं है, आप एक टाइम उपवास कीजिएगा। आज आप देखिए, आप बाजार में जाइए, आप एक तरह का गेहूँ मांगिएगा तो वो 10 तरह का दे दस देंगे। तरह का देता। वैसे वही चावल के हाल है, दालों के हाल है, पैदावार तो भरपूर है, लेकिन वो पैदावार से ना किसान सुखी है ना अर्थव्यवस्था। यानी आपका मतलब है कि रासायनिक खेती करने से जो बड़े पैमाने पे इसका जो असर है, वो जो आने वाले जो जनरेशन है या 20 साल के बाद में जो जन्म लेंगे इस धरती पे, उन्हें भी ये बात प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और सर, जैसे कि हम देखते कि और ऑर्गेनिक खेती को लेके तरह तरह की जो बातें हैं वो काफ़ी, जिसका मेल जो है तालमेल है, सही मायने में नहीं बैठ पाता, क्योंकि लोगों में एक जो कार्यशाला का इसका आयोजन किया जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक खेती होती क्या है, इसको किस सुचारू ढंग से कैसी की जाती है। लोगों में गलत फहमी का जो दौर है और जो चर्चाएं जो होती है उसका बाजार बड़ा गर्म होता है, ऐसे में क्या कहना चाहोगे आप? ऑर्गेनिक खेतों के दो पहलू है, एक पहलू पैदावार से है, जी दूसरा पहलू इसका अर्थव्यवस्था से निगड़ित है। हाँ सर, जिस तरह से आज हाल हाल में जैसे हम लोग जो भी सीड्स लेते हैं, हालांकि ऑर्गेनिक पैदावार के लिए देसी सीड्स का होना जरूरी है, बिल्कुल लेकिन हाइब्रिड्स का आते साथ हाइब्रिड्स की जो केमिकल रिक्वायरमेंट्स है, वाटर रिक्वायरमेंट्स है, ये देसी बीजों से अलग है, हटके है, ज्यादा है। तो जिस तरह और इनकी प्रतिकार शक्ति भी कम है, प्रतिकृष्ट तो हाइब्रिड्स आते साथ फिर आपको कीटनाशकों का प्रमाण बढ़ता है, बराबर तो पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन। लेकिन उसके साथ में ही अब जिस तरह से पैदावार बढ़ती है तो अपने आप ही इसके दाम गिर के कृषक का उत्पन्न कम कराती है। बिल्कुल। और ये इसका मुख्य जो असर है ये कामकाजों पे होता है, ऐसा आपका मानना है? सर, मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे कि बेमौसम बारिश,
अब तो कोई ऐसा मतलब जो सीजन रहा नहीं कि धूप काला है तो धूप काला धूप निकलना चाहिए, या ठंड काला है तो शीतलहर आना चाहिए, शीतलहर में भी शीत पानी आना शुरू हो गया, बारिश का बेमौसम जो बारिश आती है, किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, चाहे खानदेश हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो या महाराष्ट्र के ऐसे कोई भी परिसर हो जहाँ पे ये बेमौसम बारिश आई है, किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। अमिताभ जी, मेरा सवाल है कि ऐसे में किसानों को सरकार की ओर से जो मदद मिलती है क्या वो सफिशियंट है, या फिर कोई उपाय योजना इसके लिए की जाती है, क्या कहना चाहोगे? एक आप एक तजुर्बेकार हो इस बारे में, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, आप यहाँ बारिशों की बात कर रहे हैं, छुटपुट एरिया में ओलों की बात कर रहे हैं। जी 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 मैं आपको उन देशों में ले जाता हूँ जहाँ बर्फबारी होती है। अच्छा, समझ लीजिएगा इसको। होता यह है कि जिन देशों में बर्फबारी होती है वहाँ किसानी नहीं होती है कि हाँ होती है ज़रूर, लेकिन इस बर्फबारी के से बचाव उनका बीमा करता है। राइट, अपने देश में भी बीमा है, बताया जाता है जी, लेकिन वाकई है? आपने किसी किसान के पास में उसकी बीमे की पॉलिसी देखी है? बिल्कुल, आपको नहीं मिलेगी वो। राइट, कहीं आपने गांवों में वेदर स्टेशन देखा है? आप जो बेमौसम बात बारिशों की बात करते हैं उसका कारण क्या है? इवेपोरेशन तो होना है समंदरों से, वाष्पीकरण, वाष्पीकरणों को, लेकिन जब धूल के कणों में जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड कहते हैं जिसको, जिसमें बादलों की निर्मिति होती है, जी जी जी, वो प्रचंड बड़े पैमाने पे हम लोग माइनिंग है, रोड कंस्ट्रक्शन है, इसमें धूल उड़ाते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो कुछ हम लोग आच्छादन कहते हैं, हरित आच्छादन, जी जी, वो तो हम नष्ट कर चुके हैं और दर रोज करते रहते हैं। इसलिए होता यह है कि ये सब मामलों में जो वातावरण को स्टेबल करता है, यानी ट्रांसपिरेशन उसको कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, हाँ सर, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो कुछ आपका वातावरण में पेड़ों द्वारा छोड़ी गई जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जिसके कारण टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वो तो निकल गया है, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ काटे हैं सब, और इसी को हम लोग प्रगति कहते हैं। मेरे को आज तक ये प्रगति का सिद्धांत समझा नहीं। मैं हरदम पूछता भी हूँ, यदि देश तरक्की कर रहा है तो मेरा रुपया क्यों गिर रहा है? व्हाट इज द रीजन? यानी तरक्की कर रहा है तो रुपया तो मजबूत होने को ना। अच्छा, रोज गिरता है तो देश कहीं वाकई तरक्की कर रहा है? बेमौसम बरसातों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसका कुछ पॉजिटिव रीजन भी है, कुछ नेगेटिव रीजन भी है। जैसे हम लोगों ने पहले तालाब नहीं हुआ करते थे, हम लोगों ने जगह जगह पे तालाब, अब धूप पड़ेगी जिसको कोई आच्छादन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ तो बाष्पीभवन हो गई और धूल आसमान में गई हुई है। और दूसरा एक सिडोनामस सिरिंगी नाम का बैक्टीरिया है, जी जी, जो 4 डिग्री तक टेम्परेचर को भी फ्रीज करा लेता है, क्लाउड फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है, तो बारिश तो आनी है। राइट, तो सर जिस प्रकार से यानी आपने जो बात की बहुत अच्छी बात इन्होंने किया कि प्रगति, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की डिफिनेशन क्या है, जिस प्रकार से आपने इसको डिफाइन किया है बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, लेकिन इसका एक दुख भी, एक मलाल भी है कि किसानों की जिस तरह से ये जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है उसकी रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि किसान ये देश की रीढ़ की हड्डी है और इसको बेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन आए दिन किसानों के ऊपर में किसानों को दरकिनार किया जा रहा है, इस बात का आपको भी मलाल और दुख साफ तौर पे आपके चेहरे पे दिखाई देता है। अमिताभ जी, मेरा अगला सवाल है कि सरकार की ओर से मिलने वाला ये जो भाव होता है और दूसरा था हमी भाव, भाव और हमी भाव, इनमें क्या फर्क होता है? मैं थोड़ा आपको घुमा के ले जाता हूँ, एक प्रति प्रश्न करना चाहूँगा आपके बिल्कुल सम्मति से। जी 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 आपने कब से भारत एक कृषि प्रधान देश है लिखा हुआ है, चौथे स्टैंडर्ड में जब पेन हाथ में आया? जी, चौथी से आज तक। मेरा सादा सवाल है, आप पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कितने विषयों में आपने कृषि पढ़ी है? कृषि प्रधान देश में, कृषि प्रधान देश में चौथी से हम लोग लिखते आ रहे भारत एक कृषि प्रधान, कृषि पढ़े कितने हैं या कृषि कितने पढ़े, श्रम कितने विषयों में पढ़ा है हमने, कृषि अर्थव्यवस्था कहीं पढ़ी है आपने? जी जी
और आपको अभी भी यदि मैं पहले न बताता तो आप यही कहते कि देश की संपत्ति तो उद्योगपति ही निर्माण करते। बिल्कुल एक दाना बोने वाला, 1,000 दाना निकालने वाला किसान आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि कृषि प्रधान देश में कहीं भी कृषि पढ़ाई नहीं जाती है। बिल्कुल इसीलिए कृषि का कोई नियोजन नहीं है, बिल्कुल ना उसका व्यवस्थापन है। गुड यदि मैं गांव का मुखिया हूँ, यदि मैं कपास बोता हूँ तो पूरा गांव कपास बोता है, और हम ही लोग वो बाजार में कपास ज़्यादा ले जाते। ज़्यादा कपास ले जाने से दाम गिरेंगे या बढ़ेंगे, इसका बिल्कुल कहीं नियोजन ना हो। नियोजन है, प्लानिंग मैं मस्ट आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज अभी हम लोग यहाँ जनवरी में बैठे हुए, जी संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध, हाई अल्टीट्यूड्स, या पूरा बर्फ से ढका हुआ है। आज चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, ये सभी बर्फ से ढके हुए हैं। जी एक पैसे की वहाँ संपत्ति की निर्मिति नहीं हो रही है, उल्टा उल्टा उनकी ऊर्जा में पैसे, घर गर्म करने में, कारें गर्म करने में ऊर्जा में पैसा खर्चा हो रहा है उनका। बराबर उस समय मेरे पास में एक बड़ा सा, बड़ी सी संधि है, एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी ओके कि वहाँ लगने वाली जो जो चीज़ें, उनके सभी त्यौहार अभी आते हैं, जी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक के, फूलों की डिमांड है वहाँ, सब्जियों की डिमांड है, हर तरह की डिमांड है, क्योंकि उनका पूरा बर्फ में डूबा हुआ डूबा हुआ खेत है। आज बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकते। यह यदि मेरे देश के प्रशासनिक अधिकारी कृषि जानते तो शायद ये नियोजन करते कि मेरे डिस्ट्रिक्ट को लगने वाला अनाज कितना है, क्या उसके बात बाद मैं कितना रोक सकता हूँ, कितना भेज सकता हूँ, फल कितने भेज सकता हूँ। गुड इसका जो प्लानिंग और है ना ये नियोजन, मैं कहता हूँ कि ये नियोजन और व्यवस्थापन हो कि आप देखिए ना, जब वाटर अवेलेबिलिटी है, टाइप ऑफ सॉइल है, फिर उसके बाद में ग्लोबल डिमांड क्या है, जी लोकल डिमांड क्या है, उसके बाद में यदि मैं बोलूँ कि ये मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, ये फूलों के लिए, ये इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसेस के लिए, ये अनाज के लिए, ये कपास के लिए, ये मसालों के लिए, ये फलों के लिए, इसका नियोजन होना जरूरी है। और ये नियोजन कहीं भी हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, ये दुर्दैव है। कृषि, आप इकोनॉमिक्स के बच्चों को पूछिए तो इकोनॉमिक्स के बच्चों का पूछेंगे तो कृषि अर्थव्यवस्था तो वहाँ कुछ है ही नहीं। यानी महज बोलने के लिए कि इंडिया इज अ वास्ट एग्रीकल्चर कंट्री, हाँ, ये लेकिन सिर्फ अगर एक टैग लाइन स्लग लाइन वो निबंधों में रह गए निबंधों हैं। में रह गए हैं, इतिहास जमा होते हुए नजर आ हाँ, रहे हैं, मगर बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है। और आज के तारीख में ये बात हर किसी ने एक समझने की बात है कि हम ये कहते हैं कि भारतीय कृषि प्रधान देश है, भारतीय कृषि प्रधान देश है। जी हाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के जो कृषि है, यहाँ के जो किसान हैं, उनके लिए क्या सरकार कर रही है, उनका जीवन संवर्धन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये तमाम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आ गया है आपके मोबाइल पर, बस आपको जाना है प्ले स्टोर में और टाइप कीजिए NBCN और आपको मिल जाएगा NBCN मोबाइल ऐप। इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद विदर्भ की सारी न्यूज आपकी उंगलियों पे, जैसे क्राइम, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, बिजनेस और बॉलीवुड। और एंड्रॉइड की तरह आप भी हो जाइए अपडेट, क्योंकि NBCN ऐप आपको रखे फुल अपडेट। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। आज हमारे जो मेहमान हैं अमिताभ जी पावड़े साहब आए हुए हैं, जिन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले तमाम जो पहलुओं पे उनसे चर्चा की गई। ब्रेक के बाद हम आपका स्वागत करते हैं, ब्रेक के बाद हम आपका भी स्वागत करते हैं अमिताभ जी। धन्यवाद अमिताभ जी। अगला सवाल हमारा ये है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कपास किसान जो होता है वो अधिकतर आत्महत्या करते हुए नजर आ रहा है, उसके बावजूद
वे कपास ही बोते रहते हैं, कपास ही जो है कपास निकालने की उनकी एक जद्दोजहद रहती है। ऐसे में मेरा सवाल ये है अमिताभ जी, क्या ये कृषि गुलामगिरी है या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, कृषि गुलामगिरी। वाकई ये कृषि गुलामगिरी है जी। एक तरफ कपास को नगद उपज कहा जाता है जी, कैश क्रॉप, और इसका यदि अर्थशास्त्र देखे तो ऑन एन एवरेज संजय जी 5 क्विंटल के ऊपर कपास नहीं होता है जी। जी, और बाजार के दाम के हिसाब से 5,000, तो सालाना उसकी आय जो होती है, सालाना आय 25,000 होती है जी। यानी आप धर के चलिए कि 1 एकड़ के ऊपर जो 4 लोग पेट भरना, ऐसा जो हिसाब बताया जाता है जी, जी, जी। तो 25,000 रुपया उसका सालाना आय, ये ग्रॉस इनकम है, नेट जी, नहीं जी। 2,000 प्रति महीना करीब, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। दिन का यदि देखे तो कितना होगा, 66 रुपीज। एग्जैक्टली 66 रुपीज में 4 लोग, 66 रुपए में 4 लोगों का पेट भरना है। हाउ इज दिस पॉसिबल? 20 रुपया पर पूरा उत्पन्न नहीं है उसका, right. प्रतिदिन right. अभी इसमें से मैंने खर्चा नहीं निकाला संजय जी, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडिचर साइड में है। तो ये जो आपका 20 रुपए के 16-17 रुपए के आसपास जो मेरा उत्पन्न है, उसमें से आप खर्चा निकालिएगा, आपको किसान की आत्महत्या क्यों होती है अपने आप समझ जाए। यानी कहीं ना कहीं गुलामगिरी। हाँ, ये और ये फिर भी कपास ही के होता क्या है, मैं यदि गांव का मुखिया हूँ तो पूरा, मैंने यदि कपास लगाया तो पूरा गांव कपास लगा देता है, लेकिन वो दूसरा नहीं ले सकता। हाँ, जब वो कपास लेने के बाद में हम लोग फ्लड कर देते हैं मार्केट और दाम अपने आप गिर जाते हैं। बिल्कुल सही। इसी का यदि नियोजन होता, नियोजन किस बूते पे होता, क्यों कृषि गुलामगिरी मैं कहता हूँ इसको, क्योंकि सिंचन की कोई पर्याय मेरे पास है नहीं। है, सही बात। सिंचन होता तो मैं कपास के सिवा भी कोई और फल बाग लगाता, फुल बाग लगाता, कुछ और करता, ग्रेन लगाते थे, कुछ कुछ अलग ग्रेन लगाता जिसकी डिमांड है, डिमांड। लेकिन गुलामगिरी इस तरह से है कि मेरे पास सिंचन की कोई सुविधा नहीं है, और सिंचन की सुविधा नहीं है इसलिए मैं इसको कृषि गुलामगिरी कहता हूँ। एकमात्र पर्याय जो बारिश के भरोसे उपज आए, बस वही लेता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि जब ये किसानों का जो माल है एपीएमसी में आता है, जैसे कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आता है, वहाँ सेस बड़े पैमाने पे देना पड़ता है, और इतना नहीं तो ग्राहक और किसान इनके बीच में जो बिचौलिए जो होते हैं, इनकी संख्या बड़ी मात्रा में पनप रही है। ऐसे में जो प्रशासक है या प्रशासन है वे ध्यान नहीं देते, इससे भी कई हद तक के किसानों को जो सही दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, ये इस बात का भी एक उनमें मलाल है। सर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा कि होता यह है, ये मैं यहाँ महात्मा फुले को लेके आऊँगा। इन्होंने 200 साल पहले यह पूरे अर्थव्यवस्था को का विश्लेषण किया। जी जी, बिल्कुल सही बात। और वो कहते थे कि किसान जो है वो राष्ट्र की निर्मिति का एकमात्र पार्ट है। और ये जब संपत्ति की निर्मिति होती है तो हर ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो है वो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मेरा हिस्सा इसमें कैसा। सबसे पहला हिस्सा होता है जो उसमें कष्ट करता है उसके साथ, बिल्कुल कष्टकारी लोगों को वही देता है उनके। आजकल तो रुपए में मजूरी होती थी, पहले के जमाने में अनाज के बदले में, क्योंकि साल भर तो खाना उसने वही है। तो ये इसी तरह से बिचौलिए है, व्यापारी है, पूंजी किस तरह बनती है, ये जब अनाज बाजार में जाता है, ये संपत्ति बाजार में जाती है, तो इसको परिवर्तन होता है पैसे में। जब पैसे में परिवर्तन होता है तो उसमें से पूंजी निर्माण होती है, पूंजीपति इसी पूंजी के ऊपर नफा कमाते हैं या फायदा कमाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं देश का ये लोग भला कर रहे हैं, हालांकि देश का भला वो एक दाना बोने वाला जो 1,000 दाने फसल लेता है वो बनाते रहता है, पूंजी के ऊपर नफेखोरी करने वाला और मुनाफाखोरी कमाने वाला। हाँ, वही मुनाफाखोरी खोरों को ही हम लोग संपत्ति के निर्माता समझते हैं, ये सबसे बड़ी ये एक। और दूसरा, किसान के शोषण का अंत नहीं है। जैसे मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी, जो सब्जी मेरे खेत में 1 रुपए से चलती है जी, आपके थाली में आते तक वो 40 रुपए की हो जाती है, 60
40 की, 60 की, 100 की तक, प्याज आज 100 रुपए का हो गया है, 120। तो ये 1 रुपए की चीज जो आपके थाली तक आती थी 120 होती है, उसमें किसान कहीं नहीं है, किसान कहीं नहीं, जबकि पैदावार किसान ही करता है, बस यही यही एक यानी दुखद चीज है इस अर्थव्यवस्था की, जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और मैं दुर्दैव से कहना चाहूंगा, काले पैसे की भी निर्मित यहीं से होती है। आप सोचिए, 1 रुपए का 120 रुपया हो रहा हो और कहीं रसीद पावती ना हो, तो काले पैसे की निर्मित भी यहीं से शुरुआत होती है। अमिताभ साहब, ये बताएं कि अब इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और उनके साथ में ये जो फ्लड होता है किसानों के साथ, अक्सर ये देखा गया है पैसों को लेके, उनका जीवन संवर्धन अच्छे से हो, 2 पैसा उन्हें भी मिले, और ग्राहक तक, ग्राहक उनके घर तक जो माल, जो जो चीज़ें, जो वस्तुएँ जो आती है, उनके जो बड़े हुए जो दाम होते हैं वो कैसे कम हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, किसने मॉनिटरिंग करना होगा और कौन न्याय दे सकता है ऐसी बातों को लेकर? संजय जी, देश का संविधान जी जो है वो इसके लिए संपूर्णतया जिम्मेदार है जी, और देश के संविधान के अमल करने वाले जो जो लोग हैं वो प्रशासन है। बिल्कुल। और प्रशासन राजकीय लोगों के हाथों के नीचे काम करता है, लेकिन जवाबदेही उसकी लोगों के प्रति है। एग्जैक्टली। तो लोग कभी भी कोई भी घर में चोरी तब नहीं होती जब चोर होशियार हो। हाँ। जब मालिक सोया हुआ होता है तब चोरी होती है। इस देश में दुर्दैव से लोग सोए हुए हैं। जिस दिन लोग जाग जाएंगे कि मेरे देश में, यदि कृषि प्रधान देश है जी जी, तो 19 करोड़ 80 लाख क्यों भूखे हैं, यहाँ का कलेक्टर क्यों नहीं जमा जिम्मेदार है उसके लिए, जिस समय लोग पूछना शुरू करेंगे उस समय ये देश जागेगा और ये व्यवस्था में परिवर्तन होगा। बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर, इन्होंने भी कहा था कि संविधान तो उनके पैनल ने जो बना दिया था, संविधान तो बना दिया है, मगर इसको चलाने वाले जो 5 लोग जो चाहिए वो आज के तारीख में भी नहीं मिले हैं, ऐसा कहीं आपको कहना तो नहीं है? नहीं, उन्होंने साफ कहा था कि संविधान में चाहे जितना भी अच्छा लिखूं, लेकिन चलाने वाले यदि बुरे हो तो कभी अच्छा नहीं चल सकता। और वही हो रहा आज की तारीख में। संविधान कैसा भी हो, यदि चलाने वाले अच्छे हो, लोग प्रबुद्ध हो, तो वो संविधान, उसका संविधान अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन अमिताभ जी, आपका इतना बड़ा अनुभव रहा है, आपको क्या लगता है, क्या संविधान सही मायने में चल रहा है कि ऐसे लोग नहीं मिले अब तक के जो किसानों के लिए कामकाज नहीं? नहीं नहीं, संविधान में सभी प्रावधान है, प्रावधान, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो का बात है, इम्प्लीमेंटेशन जब लोग जागेंगे, वो कैसे जागेंगे? लोग जागेंगे वही जो आप अभी कर रहे हैं। संजय जी, आप तो बड़ा काम कर रहे हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं। जो डेटा हम लोग अभी दर्शकों को दे रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों को ये भी नहीं मालूम किसान आत्महत्या क्यों करता है। 2000 रुपये उसकी आय हो मंथली, और 4 लोगों को उसने ये करना है, इसके सिवा उनके आरोग्य, शिक्षा, इसके ऊपर भी पैसा खर्चा करना है, खाना पीना रहना, वो मजदूरी से जाता तो शायद ज्यादा मिल जाता उसके सर्विसेज, यानी वही है कि प्रोडक्शन सेक्टर से वो यदि सर्विस सेक्टर में जाता है तो ज्यादा कमा लेता है, 800 रुपये रोज कमा लेता है वो, लेकिन इस सेक्टर में नहीं कमा पाता, 20 रुपये से कम, और वो उससे खर्चा निकाल देते, माइनस इनकम है। बिल्कुल। आप देखिए कोई भी गांव की हालत, जम्मू कश्मीर से केरल तक के चले जाइए। बिल्कुल। वही किसान क्या तो कर्जे में है, क्यों है? प्रोडक्शन कम नहीं है, 285 मिलियन मैट्रिक टन है, लेकिन इसको आप पूंजी में रूपांतर करने के बजाय इनकी आर्थिक नीतियों के कारण, राजकीय नीतियों के कारण ये पूरा कर्जे में, किसान के कर्जे में रूपांतरित होता है। बिल्कुल। और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो है ये राजकीय जो मंडली जो होती है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार। मैं राजकीय मंडली को ज्यादा दोष नहीं देता हूँ, मैं लोगों को देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने चुन के उन्हें दिया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जब तक जागेंगे नहीं तो वो ऐसे ही, और जब जागोगे तभी सवेरा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग आज भी सोए हैं, एक बड़ी ये बात है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा अमिताभ जी, कि जिस प्रकार से गोसीखुर्द का जहाँ विषय आता है, गोसीखुर्द आज के तारीख में, गोसीखुर्द का ये जो प्रकल्प है, क्या लगता है अमिताभ जी आपको, ये वरदान है या अभिशाप है, क्या कहना चाहोगे? गोसीखुर्द वाकई में एक ऐसी पहेली है जो एक सीख समझ लीजिए ना जी, ये प्रशासन और राजकीय नेताओं के लिए सीख हो चुकी है। सॉरी, 372 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है
गोसीखुर्द आज तक 18,000 करोड़ खर्चा हो चुके हैं, बिल्कुल, और अभी 24,000 करोड़ तक के खर्चा होना है। 1 करोड़ का तालाब यदि छोटे छोटे गांवों में किया होता तो 40,000 गांवों में से 24,000 गांवों में तालाब एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिंचन का प्रॉब्लम छूट जाता। देखिए ना, हर एक गांव की वाटर डिमांड कितनी है, वो सही बात। 5 एकड़ 4 एकड़ छोटे छोटे गांव है, काफी गांव समृद्ध हो जाते, और जिस दिन आप बनाते उसी बारिश से वो रेवेन्यू जनरेशन शुरू कर देता। करेक्ट। तो दूसरे गांव में आप बना सकते थे, एक प्रोजेक्ट के भीतर आपने 24,000 गांव में पानी दे सकते थे। इसलिए ये बड़े प्रोजेक्ट जो है, जो दिखाई देते हैं हाथी समान, लेकिन वो हाथी वैसे ही है जैसे सफेद हाथी पोसना कहते हैं ना हम लोग, ये कभी पूरे नहीं होने, क्योंकि हम पिछले बार गए थे वहां पे तो अभी तक के उनके एस्टिमेट्स भी नहीं बने हैं अभी। तो ये ऐसी कोई चीजें ना करें। कहा भी ये जाता है कि माथा से पायथा वाटर मैनेजमेंट की जाए। ऊपर से लेके नीचे की हिल पे कोई आदिवासी पहाड़ा है उसकी क्या वाटर डिमांड है? जी बिल्कुल सही। उसका धीरे धीरे पानी बह के मिट्टी साथ में ना ले, उसको बांधते लाए, क्योंकि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ बना देते हो, मिट्टी ला के आधी भरते जाता है, फिर क्या उपयोग? धूप भी हो रही मेरी मिट्टी की, और दूसरा ये तालाब भी भरते जा रहे हैं। जी जी। तो ये यानी माथा ते पायथा जो वाटर मैनेजमेंट में जी जी। वो की जाए, वो बहुत और गांव तिथे तालाब, ये सबसे बड़ी, हर गांव में एक तालाब होना चाहिए। जहां गांव हो वहां तालाब जरूर हो, वहीं से। और मैं तो उसे आगे जाके कहूंगा कि हर इंसान को, आप भी गांव से ही आते, यदि हम अपने पुश्तैनी गांव जाना चाहते तो आज छोटे छोटे घरों में रहने की जगह नहीं, यदि यही तालाब के आज इर्द गिर्द अच्छी बाग अच्छे रहने की व्यवस्था। लेकिन अमिताभ साहब, मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी, जो नहर जो होते हैं हाँ। उनकी तो खस्ता हालत दिखाई देती है। तो नहरों की यानी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसके बारे में मैंने नहीं बात करूँ तो अच्छा है, क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। तो बात करूंगा तो काफी लोग सदमे में आ जाएंगे इसमें, तो मैं बात ही नहीं करता वो मामले में, क्योंकि ये दिखने वाला सत्य है। वही मैं आपको फिर कहता हूँ कि यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि संविधान में प्रावधान नहीं है या राज्य की इच्छा शक्ति नहीं। लोग सोए हुए हैं, उनके सामने भ्रष्टाचार चलते रहते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं उसके बारे में। इसके लिए लोगों ने जागरूक होना होगा, क्योंकि समय की मांग है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पा सकते। कुछ इसी तरह की बात आज हमारे जो मेहमान आए हुए हैं अमिताभ जी, पावड़े साहब, इनका ये कहना है। सर, फिर से सवाल हुई कि किसान आत्महत्या करते से बार बार कहा जाता है, और 47,000 से भी अधिक किसान इस विदर्भ में उन्होंने आत्महत्या किया, पूरे महाराष्ट्र को लेकर। सर, सवाल ये कि किसानों की आत्महत्या कैसी रोकी जा सकती है? आज तक करीब भारत में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर चुके हैं। बरा और इसके ऊपर कोई अभ्यास नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं जी। इसके ऊपर भरपूर अभ्यास हुआ। 70 के दशक में नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, नहीं, नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स तो अभी 2004 का स्वामीनाथन आयोग है। स्वामीनाथन आयोग के ऊपर मैं आने वाला हूँ। हाँ हाँ। तो इसमें मैं नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर करके 14 वॉल्यूम में एक अभ्यास हुआ। ओके, 14 वॉल्यूम। वो भी स्वामीनाथन साहब के उसमें भी थे, और अक्षरशाह जिसको बाल की खाल कहते हैं वैसे अभ्यास हुआ कृषि क्षेत्र का, बहुत सारे प्रावधान दिए गए। ये 14 वॉल्यूम जब सुपुर्द हुए जी, उसके बाद में कभी संसद के पटल पे चर्चा करने के लिए आए ही नहीं। अब 70, आज हम लोग 2020 में हैं। आप सोच लीजिए, कृषि प्रधान देश में, कृषि प्रधान देश के सांसद कितने असंवेदनशील है कि नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर समान कृषि से संबंधित जी कमीशन के ऊपर चर्चा ही हुई नहीं। और जब आत्महत्या बढ़ने लगी तो आप जो कह रहे हो स्वामीनाथन आयोग, इसका भी दुर्दैव यह है 2004 में गठित हुआ जी, 2006 में सुपुर्द हुआ, बिल्कुल, और 2006 से आज 14 साल हो गए, आज भी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है।
कोई चर्चा नहीं, यानी स्वामीनाथन आयोग महज एक कागजी घोड़े जैसा काम कर रहा है, पूरी तरह से इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है, बंद पड़ा है, बंद पड़ा है उसके ऊपर, यानी उसके प्रावधान तो आपको मिल जाएंगे, मिल जाते हैं, लेकिन संसद पे क्यों नहीं चर्चा? संसद पे चर्चा होना बेहद, और आप जब स्वामीनाथन आयोग का सवाल पूछेंगे तब मैं उसको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या प्रावधान। बिल्कुल, तो मेरा सवाल ही यही है कि स्वामीनाथन आयोग के बारे में आप डिटेल्स में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? स्वामीनाथन आयोग के बारे में ऐसा है कि स्वामीनाथन आयोग किसानों की आत्महत्या रोक सकता है। वो कैसे? कि स्वामीनाथन आयोग ने पहला ये कहा है कि किसी भी किसान की आय खर्चा जाने के बाद में सरकारी कर्मचारी के बराबर हो, यानी उसको उसको अपना फैमिली चला, फैमिली चला, और जो देश के लिए संपत्ति की का निर्माता है तो उसको इतना तो आय हो कि केंद्रीय कर्मचारी के बराबर उसको आय मिले। दूसरा, जो विदित दाम निकालने की प्रोसीजर है जी जी, वो आमूलाग्र बदल की जरूरत है उसमें। तीसरा, उन्होंने कहा है जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, जो भी लागत का मूल्य आता है जी, उसका डेढ़ गुना किसान को देना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसा अगर हो, ऐसी आश्वस्त यदि सरकार करे तो कोई किसान नुकसान में नहीं जाएगा। मगर अफसोस के सरकार इस प्रकार से किसानों को आश्वस्त नहीं कर रही है। इसी को लेकर मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि एक और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी देखे गए कि जो किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हो, यानी अच्छा कामकाज कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खेती में जो फसल जो आना चाहिए वो नहीं आ रही, बेमौसम बारिश है, या सरकार की ओर से उन्हें कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, या जो उनके जो सीड्स होते हैं वो नकली तौर पर आ रहे हैं, ये तमाम बातों को लेकर अब कुछ ऐसे किसान हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जो अब सीधी सीधी अपनी जमीन बिल्डरों को दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या किसानों की खेती में बिल्डर अपनी बिल्डरशिप आने वाले दिनों में पूरी तरह से करते हुए दिखाई देना है क्या? देखिए, जिस तरह से हमारी लोक संख्या बढ़ रही है, 130 करोड़ की आबादी पूरे देश की है, ठीक है, तो ये दर रोज बढ़ रही है, हर मिनट को, हर सेकंड को बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी फूड डिमांड तो बढ़नी है, खाद्य की जो हमारी, सही बात है, तो डिमांड है वो तो बढ़नी ही बढ़नी है जी, इसलिए जमीन ये तो कम पड़नी है। हाँ, आज कैसा है कि आज हम लोग यानी तरक्की पे, मेरे ये तरक्की समझ में नहीं आई। मैं पिछले इसमें भी मैं आपसे बताया कि जब आपका तरक्की हो तो रुपया गिरना क्यों चाहिए, तो मजबूत होना चाहिए, जीडीपी तो रेट और मतलब हर रोज आपका रुपया गिरता है, क्या ये तरक्की है? तो उसका कारण मैं बताता हूँ आपको, तो मालूम है डीजल पेट्रोल बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन आपको ये मालूम है कि आप जो तेल रोज खाते हो उसमें से 3 किलो में से 2 किलो तेल भी बाहर देश से ही आ रहा है? क्या मेरे देश के किसान तिलहन ले नहीं सकते? ले सकते हैं, सही, इसका यदि बराबर नियोजन हो और व्यवस्थापन हो, उसका बायबैक हो, तो तिलहन बाहर देश से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण मेरा रुपया गिरेगा नहीं है। 80,000 करोड़ हम लोग तेलों पे गवाया कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो यहीं यदि 80,000 करोड़ यदि किसानों को दिया जाए तो एक बड़ा फॉरेन एक्सचेंज मेरा रुक सकता है और मेरा रुपया गिरेगा नहीं, और यहाँ रोजगारों की बड़ी निर्मित, क्योंकि तेल क्षेत्र ऐसा है बहुत बड़ा रोजगार यहाँ निर्मित कर सकता है। बिल्कुल, इस तरह के रोजगार भी मिल सकते हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने ये जो योजना जो बताई, अगर इसको सही मायने में अगर अमल करते हैं सरकार या राजनीतिक लोग, तो वो दिन दूर नहीं जो हम फिर से एक बार कह सकेंगे कि भारत में जो है इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, ये मात्र महज अब इतिहास जमा होने वाली बातें हैं, ये जो पंच लाइन है ये फिर से साकार हो सकती है, ये फिर से आ सकती है, बशर्ते उसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति, प्रशासकीय तौर पे काम करने वाले अधिकारियों की इच्छा शक्ति, और जो सोए हुए शहर की जो जनता है, खासतौर पर मैं किसानों के बारे में कहना चाहूँगा, उन्हें जागने का अब अवसर मिला है, वे जाग जाए, और जब वे जाग जाएंगे तो फिर उनके लिए ये तमाम बातें हैं ये पूरी संभव 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 हो सकेंगे। सर, मेरा अगला सवाल ये भी था कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि भुखमरी की जब बात है, नॉर्थ ईस्ट की आपने जैसे कि बात किया कि कई करोड़ और 79 लाख लोग भुखमरी की
कगार पे है, ठीक उसी प्रकार भारत का यदि नंबर देखा जाए तो 102 नंबर पे भारत की भी गिनती होती है। ऐसे में सवाल ये है कि भारत में जो भुखमरी है वह औसतन बढ़ी रही है, इसकी वजह क्या है और इसकी रोकथाम कैसे होंगी अमिताभ जी? संजय जी, मैं आपके दो प्रश्नों को, एक प्रश्न मेरे से छूट गया, मैं ये दो प्रश्नों का भी जोड़ करके आपको उत्तर देना चाहूंगा। एक आपने कहा कि ये आत्महत्या रुकेगी कैसे, बिल्कुल। दूसरी तरफ आपने कहा कि ये लोग इतने भूखे हैं, भुखमरी बहुत है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये कब है? जब सरकार ने 2 रुपए किलो गेहूं और 4 रुपए किलो गेहूं चावल दिए हुए हैं, इसका मतलब ये जो भूखा बंदा है इसकी क्रय शक्ति पूरी डूब चुकी। मैंने आपको खेती का तो बता चुका हूं कि उसकी क्रय शक्ति क्या रहेगी, उसका इनकम ही नहीं है तो क्रय शक्ति क्या रहेगी। लेकिन क्रय शक्ति कैसे बढ़ सकती है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना, तो एक प्रति प्रश्न करूंगा। जी, हम लोग नागपुर में हैं, नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए। संतरे के लिए। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा कि आपने आखिरी संतरे का ग्लास भर रस कब पिया था? आप सोच में पड़ गए, बिल्कुल। बस इसी में रोजगार है, इसी में रोजगार है। ये ग्लास भर संतरे के रस में नागपुर शहर के तमाम लोगों का रोजगार इसी में है कि यदि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स तालुका प्लेसेस पे जहाँ MIDCs दी हुई है, ये समृद्धि वाली नहीं है, जो हाल ही में है, मेरे नरखेड़ में है, मेरे काटोल में है, उमरेड में है, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट से दी वहीं पे हो जी, तो किसान अपना एग्रो प्रोसेसिंग करा के, आप देखिए कितनी बड़ी डिमांड है। मैं आपको देता हूँ, जैसे हम लोग गोवा जाते हैं या कोस्ट पे जाते हैं, तो लेडीज यूजुअली प्रीफर, जो महिलाएं हैं वो संतरे का ग्लास भर रस पीना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी डिमांड है, वो भी हम लोग कैटर कर नहीं पाते हैं। आप कोई भी यानी बाहर गांव से आदमी आता है तो नागपुर में आने के बाद पहले कहता है कि रस मिलेगा क्या, वो संतरा बर्फी खा के नहीं, ठीक है, ठीक है, वो गाजर से बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये एग्रो प्रोसेसिंग जो अपेक्षित था वो न होने के कारण रोजगार बढ़ा नहीं, उसमें डिमांड तो है उसकी, बिल्कुल। और एग्रो प्रोसेसिंग जिस दिन हम लोग उसके ऊपर गंभीरता से सोचेंगे, वैसे वैसे रोजगारों की निर्मित होगी और किसान को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद में उसकी भी थोड़ी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बिल्कुल। और ये जरूरी है क्योंकि रोजगार के अवसर जो है और दिन ब दिन नहीं मिल रहे, रोजगार के अवसर निर्माण होना, तैयार होना, ये बहुत ही समय की मांग है। जैसे क्रय शक्ति बढ़ेगी, बिल्कुल, तो भारत की भुखमरी भी कम होगी। आज जो 102 क्रमांक पे है जी, तो क्रय शक्ति बढ़ेगा तो बाजार में जाकर अनाज खरीदेगा। आज कैसे हो रहा है कि उसकी क्रय शक्ति न होने के कारण गवर्नमेंट ने उसकी दाम कम कर दिया। अब आप सोचिए कि जो 40 रुपए का किलो का गेहूं है, जी जी, गेहूं जो 40 रुपए किलो का है, यदि 2 रुपए में बाजार में अवेलेबल होगा तो किसान मरेगा या जिएगा? किसान तो जिंदा रहेगा मगर काला बाजारी बड़े पैमाने पे होंगे, लोग एक ही बात सेन लगाने को कम नहीं रहेगी। तो जैसे कि अमिताभ साहब, हमने जो बात की आपसे कि 102 जो ये आंकड़ा है, ये भारत के भुखमरी जो पनप रही है उसका ये आंकड़ा है, तो वही भारत देश लखपति करोड़पतियों के यानी रईस देश के इसमें भी सातवें पायदान पे है। क्या आप सातवें पायदान पे देश का रहना एक बड़ी उपलब्धि समझते हो क्या अमिताभ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं देखता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा मैं पीछे लेके जाऊँगा कि 47 में हम लोग आज़ाद हुए जी, 49 में चीन आज़ाद हुआ जी, और उस समय के यदि सेकंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति देखी है तो यूरोप के बहुतांश देश जी ध्वस्त हो चुके थे, जापान ध्वस्त हो चुका था, चाइना बहुत सारा ध्वस्त हो चुका था, हम लोग करीब करीब एक लाइन पे खड़े थे। ये बाकी देशों की जो तरक्की कर चुके हैं उनकी करेंसी का मूल्य देखिए आप, बिल्कुल, और भारतीय करेंसी का मूल्य देखिए, आपको यही फर्क पता चल जाएगा। आपको दिखने में दिखता है ये सातवें क्रमांक का श्रीमंत देश है करके, या रईस देश है, नहीं, जीडीपी के आधार पे बोल, हाँ, जीडीपी के आधार पे बता रहा हूँ, लेकिन यदि आप पर कैपिटा इनकम या दर डोई उत्पन्न कहते हैं हम लोग हर एक के ऊपर देखें तो भारत का नंबर 145 वाला है। अच्छा, 149 देशों में अच्छा हम लोग 145 है, 145
कैपिटा इनकम में, हाँ, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा हर सिर पे उत्पन्न कितने आया है, जी, जी. तो इतने नीचे है, 145 नीचे से गिनती शुरू होती है हमारी. तो ये जो वेल्थ है ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है. आपको दिखेंगे कि मुट्ठी भर लोग बिल्कुल कुछ ज्यादा कमाते हैं और फिर एकदम भूखे. बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे कि एक फिल्म आई थी एक दिन का मुख्यमंत्री, हाँ. अगर आपको एक साल के लिए अगर कृषि मंत्री बनाया जाए, हाँ. जो पूरे राइट्स देके, हाँ. तो क्या क्रांति होगी? ये तो सवाल थोड़ा टेढ़ा है आपका संजय जी. लेकिन हाँ, जो जो आयोग, कृषि आयोग अलमारियों में बंद है उनको खोलने की ज़रूर कोशिश करूँगा. स्पेशली स्वामीनाथन आयोग या नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, जो कृषि प्रधान देश के संसद के पटल पे प्राधान्य से आने थे और जो दबाए गए हैं, बिल्कुल उनको सामने ला के इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के डॉलर से मेरा रुपया स्ट्रांग हो सकता है, ये इतिहासों ने सिद्ध किया हुआ है. इसीलिए भारत पे इतने सारे आक्रमण भी हुए, क्योंकि सोना सब यहीं था. आप समझ लीजिए भारत दुनिया की 32% GDP का सहभागी हुआ करता था. तो इसलिए यदि कृषि ही, क्योंकि ये बर्फ से जमने वाले, आधा साल इनका बर्फ से जमने वाले देश है सब, ये बर्फ तरक्की वाले. यदि भारत को यदि चांस मिल जाए या संधि मिल जाए तो वो ज़रूर वो पुराने दिन लौटा सकता है. हाँ, ये कह दे कि नहीं कृषि का कोई स्थान नहीं, कृषि कम करो, कृषि के ऊपर का अधिभार कम करो, बेवकूफ़ी है पूरी तरह से. मैं थोड़ा कठोर शब्द वापर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन जिस देश की जनसंख्या है 130 करोड़ है, उसका प्राधान्य ही भूख, अनाज, ये होना चाहिए. बिल्कुल. और आज जहाँ देखे जाए वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है, कई बड़े बड़े टावर दिखाई दे रहे, बड़े शान से ऐसे रहते हैं टावर, मगर वो कि जो किसानों की जो जमीन रहती है उसके ऊपर में टावर बन रहे. टावर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो किसानों की जो जमीन है उसके ऊपर में जो अनाज की जो पैदावार होना है वो नहीं हो रही है, जिसके चलते आने वाला दिन पैसे होने के बावजूद भी लोग खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि फसल जो है वो पूरी तरह से नहीं होगी. ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट आता है. और आज जिस प्रकार से आज हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम में अमिताभ पावड़े साहब आए और हमने जैसे मजा के अंदाज में नहीं, एक सीरियस में ही बात किया कि यदि आपको बना दिया जाए कृषि मंत्री तो क्या बदला होगा, उन्होंने सरलता और सहजता के साथ जिस प्रकार से ये बात की, ये बात यदि इन बीसन के तमाम दर्शक और ख़ासतौर पर जो राजनीतिक लोग हैं, हमारा चैनल उनके घर में भी दिखता है, अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर इन्होंने जो बातें बताई है उसके ऊपर में आप गौर फरमाएं, इम्प्लीमेंट करें. अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो और अगर आप गौर फरमाते हो तो यकीनन ये देश का जो एक अलग जो बात जारी, किसान आत्महत्या या किसानों का कामकाज नहीं हो रहा या अनाज की पैदावार नहीं हो रही, बेरोजगार हो रहा है, ये तमाम समस्याएँ जो कि तो पल भर में छूट सकती है, बशर्ते कुछ करने की चाह चाहिए. कुछ आपका वो बिल्डर का एक मुद्दा, बिल्कुल वो बहुत ही, देखिए बिल्डर के यानी बिल्डर किसान की जमीन ले, किसान एक ही बार फायदे में रहता है जब वो जमीन बेच देता है. देखिए दिक्कत क्या है, देश में स्थलांतरण बहुत हो रहे हैं और सबसे बड़ा स्थलांतर दुर्दैव से बताने की चीज़ है, उत्तर प्रदेश बिहार से होते हैं. गंगा जी के किनारे सबसे दुनिया के सबसे उपजाऊ जमीन में जो किसानी करते वो किसान स्थलांतरण कर रहे हैं. वो कोई उत्तर प्रदेश के है, बिहार के है, ये मायना नहीं रखता. यही स्थलांतरण आपको डिस्ट्रिक्ट्स में दिखेंगे, गोंदिया से दिखेंगे, कहीं आपको तेलंगाना से दिखेंगे. तो ये स्थलांतरण होने के क्यों स्थलांतरण होते, क्योंकि ग्रामीण भाग में रोजगार की संधि ही नहीं है, बराबर, और वो मरना नहीं चाहते, आत्महत्या नहीं करना चाहते, इसलिए पैसा कमाना चाहते, तो बड़ी तादाद में शहरों में स्थलांतरित होते हैं और शहर बढ़ते जा रहे, गांव सूखते जा रहे. और इस तरफ भी किसी नियोजनकर्ता का ध्यान नहीं है, रिहैबिलिटेशन ऑफ द माइग्रेशन माइग्रेटेड पीपल, जो गांव में ही उसको रोजगार देते, क्यों स्थलांतर होगा, क्यों किसानों की जमीन बिल्डरों को बेचना पड़ेगा. और बिल्डर यही ताक में रहते हैं, और सिर्फ बिल्डर में,
आप देखिए SEZs करके किसानों के हक मारे जाते हैं, और फिर क्या होता है, आपका मिहान पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है इतने सालों से, मिहान में भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है ना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मिहान में, मिहान जो इतना बड़ा है जहाँ पे रोजगार की संधि देंगे, ये देंगे, इतने सालों से बेउपज पड़ा हुआ है, कुछ भी उपज नहीं है उसमें। ये देश का नुकसान है, और ये नुकसान कभी ना भर के निकलने वाला है, इतने सालों से, 20-25 सालों से अभी आप देख रहे हैं। और ये यदि इतना ज़्यादा नुकसान कोई करता है तो इसके लिए तो लोग जब तक जागेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं इसका जवाब दो, तब तक ये काम नहीं होगा। और ये माइग्रेशन तो चलते रहेगा, क्योंकि गांव में तो आप उद्योग लगा ही नहीं रहे हो, संतरे का प्लांट मेरे नरखेड़ में तो लग नहीं रहा है। जी जी जी, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होना, यानी वो भाग के तालुका के सब लोग वहाँ पे जब काम कर पाएंगे जी, तो जी, क्यों माइग्रेट होंगे, क्यों स्थानांतरित होंगे। ये बात तो दर्शकों, आप थे अमिताभ मोतीराम जी पहाड़े साहब, जिन्होंने बखूबी बेगुरा के साथ बात करते हुए खास मुलाकात इस कार्यक्रम में है। तमाम पहलुओं के ऊपर में इन्होंने चर्चा की, बातें की, और इनका ये मानना था कि ये पूरे खास मुलाकात में एक ही चीज़ और एक बात सामने में उभर के आई है कि लोगों ने अब जागना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, उस सरकार और राज्य जो राजनेता होते उन्होंने भी जागने की ज़रूरत है, जो प्रशासकीय अधिकारी जो होते एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने भी जागना चाहिए, क्योंकि देश अगर नहीं जागोगे, पैदावार नहीं होगी, अनाज नहीं मिलेगा, किसानों का जीवन संवर्धन नहीं होगा, तो हम ये आने वाली जो जनरेशन है ये लाइन भी भूल जाएंगे कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो दर्शकों, आप दीजिए खास मुलाकात में मुझे इजाज़त, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात, NBC न्यूज़ नागपुर। नमस्कार, और सर आज आप आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।